ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर। अच्छा दोस्तों, हम अपने जर्नी अब स्टार्ट करते हैं, यामा वर्सेस बुलेट। देखते हैं आज क्या होता है, कैसे पहुंचते हैं, किस किस चीज की कोई कमी पेशी आती है। तो आज इस राइड पे ये हम राइड अप स्टार्ट कर रहे हैं आईआईटी जम्मू से। चलो सर, ये भानु जी। सीधा रास्ता जो है ये निकल गया उधमपुर कटरा, उधमपुर श्रीनगर, और यहाँ से हम लेफ्ट टर्न ले रहे हैं। ये ऊपर ये आईआईटी जम्मू, आईआईटी जम्मू इसकी बैक साइड से ये रास्ता है। मिक्स रास्ता है ये आपको ऑफ रोड का भी मज़ा दे देगा और ब्लैक टॉप का भी। और अभी 365 हुए हैं जब हमने नगरोटा से राइड स्टार्ट की है, तो अब देखते हैं कितने किलोमीटर का स्ट्रेच होता है। बहुत प्यारा ट्रैक है, और जब ये वीडियो देखोगे शायद मेरे कुछ एज ए राइडर बात कर रहा हूँ, वैसे नहीं, वैसे तो स्ट्रेट 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 स्ट्रेट, वैसे तो बहुत बड़े बड़े गांव हैं इसमें। एज ए राइडर बात कर रहा हूँ कि राइडिंग के लिए बहुत कम लोगों ने ये स्ट्रेच किया होगा। और जैसे जैसे आप देखोगे अभी अभी तो ब्लैक टॉप चल रहा है, कोई इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हम बिल्कुल आईआईटी के पीछे से चल रहे हैं। ये रास्ता या ट्रैक मैं और मेरा एक फ्रेंड होता था, अब वो बेचारा इस दुनिया में नहीं है, तो हमने ये ढूंढे थे। ढूंढने का मतलब ये है कि एक शौक था घूमने का, घूमते थे, देखते थे नई नई प्लेसेस कहाँ पे है, फिर भी इंटीरियर नहीं कर पाए थे, इंटीरियर नहीं कर पाए थे। और जितना उसके साथ किया हुआ है, काफ़ी एरिया
एक्सप्लोर किया उसके साथ, मगर अब जो रह गया था उसकी तमन्ना थी वो पूरी कर रहा हूँ। और इस रोड के मैक्सिमम जितने भी रोड्स हैं, ये जो रेंज है आप देखते होंगे, नगरोटा से मांडा का जो आपको पहाड़ी दिखती है, मांडा पहाड़ी, और अगर आप जम्मू से आ रहे हैं आपके लेफ्ट में आती है ये नगरोटा टीसीपी तक, लेफ्ट तक पहाड़ी आती है। ये पहाड़ी सीधे जाके अखनूर में मिलती है, मथुआर में। ये वही रेंज है, और आपको आज मैं इस रेंज का इंटीरियर बताऊंगा। आज इस रोड का मैं आपको इंटीरियर बताऊंगा कि ये रास्ते कैसे कैसे कहां कहां से जुड़े हुए हैं। अभी ये एरिया शायद आगे पहले पढ़ लेने दो क्या है, शायद केरन है या केरी है, कुछ ऐसा नाम है। अभी हम बस उसके पास पहुंचने वाले हैं। और ये हमारा जो बाईपास जम्मू श्रीनगर जो बाईपास राया से निकल रहा है, तो राया से इन होके ये नगरोटा में यहाँ आके उसके भी आपको मैं दृश्य बताता हूँ, वो इसी ट्रैक पे है। ये रोड की हालत देख लीजिए, जब से चल रहा हूँ, मुझे इस रोड पे कम से कम 20 साल हो गए हैं चलते हुए, 20-21 साल, 2000 से चल रहा हूँ मैं इस रोड पे, मगर इस रोड की हालत सेम ऐसी है। चलो अच्छी है हमारे लिए, तो हम तो कहते हैं कि हमें तो ऑफ रोड चाहिए, ब्लैक टॉप तो चाहिए नहीं, तो हमारे लिए अच्छी है, मगर पब्लिक के लिए बहुत बुरा है। गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए। और यहाँ पे एक सामने एक माता का मंदिर है, काली माँ का मंदिर है, ये सामने जो रास्ता दिख रहा है। ये जो रास्ता जा रहा है ये सीधा माता का मंदिर का रास्ता है, और हार्डली ये 500 मीटर है, और आराम से गाड़ी जाती है। भगत जन जब भी कभी आओ तो यहाँ दर्शन जरूर करना। जय माता दी। भैया जगह का क्या नाम है था? इस जगह का क्या नाम? केरी, खैरी। हाँ दोस्तों, ये खैरी है, खैरी है, ये केरन और केरी नहीं है, खैरी है ये। मैंने अभी आपको बताया था, मगर ये खैरी है, क्योंकि मिलते जुलते नाम है, इतने नाम याद नहीं रहते, तो इसलिए कोई जा रहे थे भाई साहब तो मैंने उनसे पूछ लिया कि क्या नाम है इस जगह का। ये देखिए, ये तो हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं जानवर, ये जिधर भी जाओ, ये आजकल क्योंकि पहाड़ों से ये नीचे आ रहे हैं ये, और ये आपको हर जगह मिलेंगे अगर आप कहीं पे भी निकलोगे। और आगे भी देखना, अब इनकी कटिंग शटिंग हो गई है। भांडू जी ज्यादा ही मिट्टी उड़ा रहे हैं, आप थोड़ी सी मिट्टी ये भी खा लें, थोड़ी मिट्टी ये भी खा लें, क्योंकि मैंने कितनी खानी है। लास्ट टाइम की राइड में मेरे शॉकर में प्रॉब्लम आ गई थी,
और अभी तक ठीक नहीं करवाया, तो इसीलिए थोड़ी आपको आगे आवाज़ आ रही होगी शॉकर की। और यह भी एक टर्न के बाद आपको खैरी का खैरी टॉप, इसको खैरी टॉप बोलते हैं, अभी एक या दो टर्न है, ये मेरी पूरी लंबी वीडियो और छोटी वीडियो में मेरा यही फर्क रहता है कि आपको मेरे जब मैं कभी राइड पे होता हूँ तो उसका मेन कारण यही है कि आपको पूरे रोड की जानकारी हो जाए कि रोड कैसा है। ये नहीं कि एक शॉट के लिए मैं शूटिंग कर रहा हूँ, शॉट की शूटिंग नहीं मैं कर रहा, मैं आपको ट्रैक बताने की कोशिश करता हूँ। शूट के लिए तो आपको 10-12 सेकंड चाहिए और एक रीटेक चाहिए, और मेरे इस वीडियो में कोई रीटेक नहीं, जो ओरिजिनली है कि रोड कैसी है, पत्थर वाली रोड है, साफ रोड है, कैसी रोड है, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलती है, इसीलिए मेरी वीडियोस लंबी होती हैं। तो दोस्तों आपको कैसा लगा अभी तक? तो अभी तो स्ट्रेस स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी स्ट्रेस स्टार्ट नहीं हुआ ऑफ रोड का, ये तो अभी मेन रोड है, इसके बाद अभी आपको बताता हूँ कि रास्ते कैसे कैसे हैं। ये तो अभी हम एक लिंक रोड है जो जानीपुर के आसपास मिलती है, नाम यार इतने हैं कि मुझे यही तो प्रॉब्लम है नाम की, कि नाम नहीं याद रहते। और ये हालत देखिए, मुझे 21 साल हो गए सड़क को देखते हुए, इसकी यही हालत है। अगर ये अच्छी रोड बन जाए और जानीपुर बानतला और बलवाल का एरिया जितना भी है उसके लिए बहुत अच्छा हो जाए कि जो श्रीनगर से आ रहे हो उनको सिटी एंटर ना करना पड़े। तो ये रोड की हालत देखिए, और काफ़ी लोगों ने रोड स्ट्रेच किया होगा। ये रास्ता जो जा रहा है, ये रास्ता जा रहा है जो नया रास्ता खुला हुआ है, जो अपना हाईवे को रास्ता मिल रहा है, जो ये वो रास्ता है, ये हमने अभी सीधे जाना है। भानु जी का वेट कर रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम हो गई है उनको, पीछे देखूँ। भानु जी आ गए अभी, बड़े आराम आराम से, बड़े आराम से अपने, क्योंकि सबसे पहले आपको अपनी बाइक की सेफ्टी चाहिए। जब तक आप अपनी बाइक की सेफ्टी ना करोगे आपकी राइड कंप्लीट नहीं होगी। आपने बाइक को रफ चलाया, ये नहीं कि पहले पहुंचना है, नहीं, सबसे पहले मेरा फंडा सबसे पहला ये है कि बाइक को बचाओ, बाइक बचाओगे तो आपकी राइड होगी। अगर आपने बाइक को नहीं बचाया तो समझ लो फिर तो आप कभी भी, आप किसी भी नई से नई बाइक पे हो जाए, किसी भी हो जाए, जब आप तक जब आप अपनी बाइक की केयर ना करोगे तो तब तक कुछ नहीं हो सकता।
नाम याद आ गया, रैपर। ये रास्ता रैपर में भी निकलता है और बांध तालाब में भी निकलता है, जानीपुर में भी निकलता है। ये खेरी खैरी रोड है जो, ये अब खैरी का टॉप आ गया। ये यहाँ पे फॉरेस्ट की चेक पोस्ट हुआ करती है। ये टॉप है खैरी का, और अब जितना हमने चढ़ाई की है उतना हमने डाउन उतरना है। और रोड की हालत तो भैया वही है, मगर इस साइड में पिछले साल इन्होंने रोड काफ़ी तैयार कर दिया था। एक साल तो शायद हो रहा है मुझे आए हुए इस रोड पे, तो तब तो रोड अच्छा था। देखो शायद ये पास के कारण यहाँ दूसरी नगरोटा बेल्ट में जाता होगा, तो इस कारण रेंज होगी अपनी अपनी एरियाज की, मगर बहुत अच्छा रोड था ये पहले। अब इस रोड का आइडिया नहीं है कि कैसे।